हेलो फ्रेंड्स, आज एक सूप बनाएंगे जिसमें हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये खासकर पेशेंट टाइप के लोगों के लिए है, या फिर छोटे बच्चे जो ऑयल उल ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं उनके लिए है। तो ठीक है, चलिए बताते हैं। इसके लिए मैंने यूज़ किया एक आलू, ठीक है, और एक ब्रेस्ट पीस चिकन का, बड़ा सा ब्रेस्ट पीस को छोटा छोटा क्यूब साइज का कट किया है। और एक प्याज लिया है, इसको भी क्यूब में कट किया है। सेलरी स्टिक, इसको भी मैंने क्यूब साइज का कट किया है। और एक कैरेट, इसे भी क्यूब कट किया है। और एक से दो पीस लहसुन के दाने हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा धनिया लिया चॉप किया उसे, बस इतनी है और कुछ नहीं। तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। अब देख सकते हैं इस पैन में कोई ऑयल वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया हमें, तो अब इसी में चिकन डाल देंगे। पक रहा है चिकन, कोशिश करें इस टाइप का अगर सूप बनाना हो बिना ऑयल का किसी पेशेंट के लिए, तो नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करें जिसमें चिकन आग पकड़ेगा नहीं। चिकन का कलर चेंज हो गया है पूरी तरह से। इसमें कैरेट डाल देते हैं, इसी के साथ इसमें सेलरी स्टिक और ये लहसुन भी ऐड करते हैं। तो इसमें पानी डाल लेते हैं। अब इसमें ये एक पीस, जैसे कि ये नॉनवेज बना रहा हूँ मैं, तो एक पीस चिकन का मैगी क्यूब डाल लेते हैं। थोड़ा सा वाइट पेपर, जस्ट हाफ टी स्पून से भी कम, देख रहे हैं। एंड सॉल्ट, इसको एक 5 से 7 मिनट पकने के बाद फिर इसमें बाकी का वेजिटेबल्स भी स्टेप बाय स्टेप ऐड करते हैं। काफ़ी देर पक गया है, अब इसमें हम ऐड करते हैं ऑनियंस, थोड़ा पानी, अब आलू भी साथ में ऐड कर देते हैं। अब इसमें धनिया ऐड करते हैं। और इसी के साथ एक आधा नींबू भी इसमें ऐड करेंगे। बस इसको हो गया है, और ये 2-3 मिनट पका के इसे निकाल लेंगे, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए सूप को निकालते हैं। ये रेडी हो गया है विदाउट ऑयल सूप, ना इसमें कॉर्नफ्लोर है ना कुछ है। पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा हो गया है, या जो लोग ऑयल पसंद नहीं करते हैं उनके लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।